हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना है, वो है हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं और वो भी पूछ रहे हैं फर्स्ट के बारे में, ऐसा क्यों? हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो न्यूज़ में है। क्वेश्चन है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम इस वीडियो लेक्चर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, इसको कौन अपॉइंटमेंट करता है और हालिया दिनों में इसका अपॉइंटमेंट क्यों किया गया है और इसका क्या रोल है या गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप तैयारी कर रहे हो CDS एग्जाम की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के करंट अफेयर्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज है लेटेस्ट, वो कह रही है कि सेंटर अपॉइंट्स आर वेंकट रमानी एज द न्यू जर्नल अटॉर्नी जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो कंफर्मेशन मैंने आपको बताया कि आर वेंकट रमानी जो है ना, वो भारत के 16th नंबर के क्या बन गए हैं, अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। यानी कि हिंदी में अगर इनको लिखा जाता है तो उसके लिए एक दूसरा शब्द होता है जिसे आप कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान में, यानी कि मैं देखिए आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट बता दूं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है ना, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिखा गया है कहाँ पर, आर्टिकल 76। तो जो लोग CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इस आर्टिकल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और याद कर लें। आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी की पोस्ट, ये क्या होता है, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिसको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। देखिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या भारतीय संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा जो अपॉइंटमेंट पावर है वो है हमारे राष्ट्रपति के पास। मतलब सेंटर लेवल पर लगभग मैक्सिमम बड़ी से बड़ी पोस्टों को अपॉइंट करने का पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। उन्हीं में से एक पोस्ट है महान्यायवादी। अब एक लाइन लिखिए कि भैया वो चीफ एडवोकेट होता है ना, या वो कानून अधिकारी होता है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, भारत सरकार के ऊपर कई सारे केसेस किए जाते हैं, उसके कानून को लेकर के, नई प्लानिंग योजनाओं को लेकर के, उसके द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर को लेकर के, या उससे और किसी राज्य के बीच में बनाए गए किसी लॉ को लेकर के, है ना। कहां पर ये केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या अदर कोर्ट में। इसमें एक पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, या एक पार्टी दूसरी होती है, मतलब कोई ए पार्टी होगी वो भारत सरकार पर केस कर देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर केस कर देती है। एग्जाम्पल समझिएगा, हालिया दिनों में EWS का जो आरक्षण है, आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में की थी। ठीक है, अब इस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज किया गया और हालिया दिनों में इसे फिर से वहां पर लाया गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना है। दूसरी पार्टी ने यह दावा किया है कि EWS जो है पुराने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों का उल्लंघन करता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या सोच करके या पुराने जो एग्जाम्पल रहे या उनको देखते हुए EWS को एक्स्ट्रा 10% मतलब रिजर्वेशन क्यों दे दिया। ये तो पुराने रिजर्वेशन से या 50% की जो लिमिट थी उसको क्रॉस करता है। अब देखिए, अगर भारत सरकार पे ये केस किया गया है तो सीधी सी बात है कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी या अन्य कोई कैबिनेट मंत्री ऐसा तो नहीं करेगा कि अभी अभी केस हुआ है तो फटाफट से जाए और सोचे कि अरे कोई एडवोकेट मिल जाएगा क्या, कोई वकील आ जाएगा जो हमारा केस लड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो केसेस होते हैं उसको वहां पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेश होने के लिए एक पोस्ट रखी गई है, एक अधिकारी रखा गया है जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो आपको यह तो समझ आ गया होगा कि अब इसका काम क्या है। अब देखिए, अगर कोई महान्यायवादी व्यक्ति बनता है, जैसे कि अभी कौन बने हैं, आर वेंकट रमानी बने हैं, अगर अभी कोई महान्यायवादी बनना चाहता है या बनता है तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होगी। क्या ये क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वहां पर ऐसा नहीं कहा गया है, ये जो है संसद के द्वारा तय है। और सिर्फ ये वाली लाइन जो थी वहां पर थी कि वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो महान्यायवादी बने जिसके अंदर वो वाली क्वालिटीज हो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर होती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर क्या हो सकती है, समझिएगा।
देखिए कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो लगभग हमारे इंडिया के सभी पोस्टों में है कि बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और अब आगे की लाइन ध्यान से पढ़ना, उसे उच्च न्यायालय में यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक, कितने 5 ईयर्स तक न्यायाधीश के रूप में उसने क्या करा हो, काम करा हो हाई कोर्ट में एज अ जज, एज अ जस्टिस के तौर पर उसने 5 सालों के लिए काम करा हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में वकालत, मतलब यानी कि किसी और जो हाई कोर्ट है, किसी भी एक या दो, पूरे देश में हमारे पास 25 हाई कोर्टों में से किसी भी हाई कोर्ट में या किसी एक में या किसी एक से ज्यादा में कुल मिलाकर के उसका जो एडवोकेट के तौर पर उसने 10 वर्षों का उसका अनुभव हो, मतलब अगर कहें तो हाई कोर्ट में एज अ 5 साल उसने जस्टिस के तौर पे और एज अ एडवोकेट के तौर पे 10 साल काम किया हो, तो ये दो कंडीशन मेजर कंडीशन होती हैं जिससे कोई व्यक्ति को महान्यायवादी अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार वो न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो देखो तीसरी कंडीशन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति की नजर में वो व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, तभी उसकी अपॉइंटमेंट हो पाएगी। तो तीन कंडीशन में से, तीनों में से कोई भी फिल करता हो तो उसकी अपॉइंटमेंट एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाती है। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आई तो क्या याद करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कई बार अगर सीडीएस एफकेट देने जा रहे हो तो ये तीन स्टेटमेंट में बना करके क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब अगर भैया अपॉइंटमेंट कर दिया है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये तीनों कंडीशन मिल गई तो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, चलो महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। अब राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट करा तो कुछ काम होंगे, उसके क्या काम है। देखिए पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, है ना। अनुच्छेद आर्टिकल, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी डिफेंस एग्जाम या किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 143 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, अगर जरूरत पड़ती है तो इसके तहत वो वहां पर जा करके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। और सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, मतलब जैसे किसी भी मामले में किसी भी केस के साथ, जैसे कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, अगर वहां पर केस यूपी गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेश होने वाला व्यक्ति कौन होता है, यानी कि कौन वकील होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका ऑफिस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और साथ में दो असिस्टेंट के तौर पर सॉलिसिटर जनरल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, हालांकि सॉलिसिटर जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ही बात है। ठीक है, आगे देखिएगा, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब कुछ बातें आती हैं। हमें एक व्यक्ति मिला जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसकी कुछ कंडीशन रखी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो काम क्या करेगा। अब काम जब हो जाए तो भाई वो अपॉइंटमेंट होने के बाद कितने साल तक अपनी पोस्ट होल्ड कर सकता है, तो ध्यान से समझना। पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है कि कोई अटॉर्नी जनरल जब अपॉइंट हो जाएगा तो लगभग वो कितने साल तक रहेगा, मतलब क्या वो 5 साल तक रहेगा, 6 साल तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा ना लिखने का कारण मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने का कोई भी मूल व्यवस्था नहीं है, मतलब उसको हटाएंगे भी कैसे, इसका भी कोई प्रोसीजर नहीं है। तो कैसे हटा सकते हैं, देखिए वहां अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, इसको कहते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वो अपनी पोस्ट को होल्ड कर पाता है। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आई होगी। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। देखिए अगर उसका टेन्योर फिक्स कर देते कि भैया 5 साल तक रहेगा और उसको इजीली नहीं हटाया जा सकता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस है और उसका वो स्पेशलाइजेशन उस केस के प्रति नहीं है या उसका रुझान नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस केस पर डिफेंड करे, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, उसे हटा तो सकते नहीं, तो ऐसे में दूसरा तीसरा व्यक्ति हायर करने में या उसको बनाए रखने में एक समस्या आएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लगता है कि अगर जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मूड चेंज हो जाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बदल जाए तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं बदलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पार्टी है, जैसे अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी की है, बाद में कोई एबीसीडी पार्टी आ जाए तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा उसे भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा, है ना, वो उनकी पसंद का वकील, क्योंकि वकील तो पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। तो ये सामान्य चीज को आपको समझ आई होगी। तो यानी कि 5 साल 6 साल नहीं है, अगर पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कब तक पोस्ट होल्ड करता है तो बाय द प्लेजर
ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा पर। ठीक है, अब एक अन्य जानकारी भी ले लेते हैं हम, यहां पर करंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है, ऐसे ही स्टेट ऑफ इंडिया भी होता है। मतलब हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह स्टेट की भी जो गवर्नमेंट होती है वो भी काम करती है। तो भैया उसको भी केस होते होंगे अलग अलग, उसके भी संवैधानिक मामलों पर राज्य में, जैसे सरकारी नौकरियों की भर्तियों को लेकर, सरकारी नौकरियों की गड़बड़ी को लेकर कई मामले उठते हैं। तो ऐसे में सरकार का डिफेंड करने के लिए सरकार को वकील चाहिए, तो राज्य में उस वर्ड को या उस पोस्ट को कहते हैं एडवोकेट जर्नल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जर्नल ऑफ द स्टेट। उसका बात किसमें किया गया है, 165 आर्टिकल में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 165 में। तो अटॉर्नी जर्नल ऑफ इंडिया जो है वो है 76 में, और एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट की बात करें तो वो है 165 में। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, पूरा महान्यायवादी मैंने डिस्कस किया है। अब आते हैं उस क्वेश्चन में जो आपने पहले पढ़ा था, हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। देखिए आराम से समझिएगा, थोड़ी सी जानकारी है। पहले तो ये कि आर वेंकट रमानी 16th AGI हैं, ठीक है। वी नरहरि राव ये भारत के पहले कैग थे, फर्स्ट कैग थे। कैग क्या होता है, इसे बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ठीक है, ये पहले थे। तो ये एक जानकारी है दोस्तों। फिर है ही हरिलाल जे कानिया, ये कौन थे, तो ये भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो गया है, भारत के पहले महान्यायवादी जो थे वो थे MC सीतलवाड़, मतलब भारत सरकार के पहले कानून के सलाहकार, सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन था, MS सीतलवाड़। देखिए ये मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है ना, कि कानून के मंत्री नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये एक जानकारी थी कि शॉर्ट वे में आपको बताया जाए, और मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि आर वेंकट रमानी कौन है। आर वेंकट रमानी प्रेजेंट में अभी नए अपॉइंट हुए हैं, क्या अपॉइंट हुए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये किसकी जगह पे अपॉइंट हुए हैं, तो हाल ही में के के वेणुगोपाल ने क्या दिया है, इस्तीफा दिया है, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दिया, और इनके बदले कौन अपॉइंट हुए, आर वेंकट रमानी अपॉइंट हुए। पहले की बात करें तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट AGI, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट, पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस इन सभी न्यू एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं। आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।